शंघाई सहयोग संगठन राष्ट्राध्यक्षों की बैठक। आज का विषय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन SCO राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में कहा कि हमें SCO देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए SCO वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। प्रधानमंत्री के संबोधन की प्रमुख बातें। आज पूरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। SCO को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेसिलियंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स हमें स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। हमारा यह अनुभव कई अन्य SCO सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके SCO के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपरफूड है जो न सिर्फ SCO देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें SCO के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। भारत आज विश्व में मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशंस में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें SCO देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए SCO वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। शंघाई सहयोग संगठन SCO एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है, जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखना है। इसका गठन वर्ष 2001 में किया गया था। SCO के सदस्य देश वैश्विक GDP में लगभग 30% का योगदान देते हैं, और विश्व की 40% जनसंख्या भी SCO देशों में निवास करती है। इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।